ये पूरे हरियाणा में सक्षम हरियाणा चल रहा है, एलईपी का प्रोग्राम है। तो डिजिटल एलईपी की पूरे ब्लॉक के अंदर जो है प्राइमरी के इंचार्ज और उसके साथ एक एक टेक्निकल पर्सन को ट्रेनिंग दी गई है, जिसका आज जो हैगा ये समापन था। जो किस तरह की ट्रेनिंग इसमें दी गई है शिक्षकों को? इसके अंदर लर्निंग लेवल को जो है अप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है कि डिजिटल के द्वारा जो है वो बच्चों को लर्निंग कराया जाए, बच्चों को दिखाया जाए जो है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ सकें और अपने सीख सकें। हाँ रुचि ले सकें अगर पढ़ने जी, में। रुचि लें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा और कोई कार्यक्रम इस तरह के शिक्षा से जुड़े हुए? हाँ, शिक्षा से जुड़े सक्षम हरियाणा चल रहा है, जिसके अंदर की हम जो है सक्षम ब्लॉक जो है घोषित करेंगे। फिर सरकार द्वारा जो है थर्ड पार्टी से इसका इवेल्युएशन कराया जाएगा। इसके लिए अभी जल्दी ही 26 जनवरी के बाद 2 दिन फीडबैक परफॉर्मा भी जो हैगा, इन टीचर्स को 5 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, तो इनसे फीडबैक परफॉर्मा भरवाया जाएगा। उसमें टीचर्स जो हैगा अपने विचार देंगे कि क्या जो है ट्रेनिंग से फायदा मिला और बच्चों को कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या करना चाहिए जिससे ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा रुचि लेकर के और अपने विषय को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे अभी आप संबोधन कर रही थी शिक्षकों को, कुछ कहना चाहोगी माध्यम से, चैनल के माध्यम से शिक्षकों के हाँ, लिए? शिक्षा के माध्यम से मैं सभी शिक्षक को यही कह रही हूँ कि हमारा कर्तव्य, हम एक शिक्षक हैं और हम समाज के निर्माता हैं, शिक्षक समाज का निर्माता होता है, तो वो बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा दे, जिससे कि हमारे जो हैगा देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे भारत का नाम जो हैगा रोशन हो और हमारा जो हैगा युवा वर्ग वो शिक्षित हो।